गन्ने में पेड़ी रटून फसलों का लिया जाना गन्ने की खेती का एक अभिन्न अंग है, जिसे गन्ना उगाने वाले पूरे विश्व के देशों में अपनाया जाता है। भारत में पेड़ी की फसलों का कुल गन्ना उत्पादन में काफी बड़ा योगदान है। भारत के कुछ मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों में से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में कुल गन्ने के अंतर्गत खेती किए जाने वाले क्षेत्रफल में से 55% से अधिक क्षेत्रफल में पेड़ी की फसलों को उगाया जाता है। असम राज्य के कुछ क्षेत्रों में गन्ने के अंतर्गत खेती किए जाने वाले क्षेत्रफल में से 80% से अधिक क्षेत्रफल में पेड़ी की फसलों को उगाया जाता है। पौधा फसल के मुकाबले पेड़ी की फसलों के कई फायदे हैं। पेड़ी की फसल लेने से परिचालन लागत में 25-30% तक की बचत होती है, जो बीज टुकड़ों की कीमत व खेत की शुरुआती तैयारी से आती है। इससे समय की भी बचत होती है, क्योंकि ये फसल जल्दी स्थापित होती है तथा जल्द ही परिपक्व हो जाती है। इसके अलावा पेड़ी की फसलों की रस की गुणवत्ता भी आमतौर पर बेहतर होती है। आमतौर पर पौधा फसल के मुकाबले आजकल पेड़ी की फसलों का गन्ना उत्पादन का स्तर 20-30% कम देखा जाता है। यद्यपि पेड़ी की फसलों के उत्पादन स्तर को वैज्ञानिक पेड़ी प्रबंधन विधियों द्वारा पौधा फसल के बराबर लाया जा सकता है। इसके लिए उन प्रजातियों का चुनाव सबसे पहले आवश्यक है, जिनमें अच्छी पेड़ी की फसल देने की क्षमता हो। आमतौर पर जिन प्रजातियों में टिलर उत्पादन करने की क्षमता होती है, उनमें स्टॉक भी अधिक संख्या में बनते हैं, उनकी मोटाई मध्यम दर्ज की होती है और वो उच्च पौधा फसल उत्पादन देते हैं तथा वो अच्छे पेड़ी उत्पादक भी होते हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बतूर द्वारा लोकार्पित की गई प्रजातियां नामशः को 86032, को 86249, को 91010 और को 940008 में बेहतरीन पेड़ी देने की क्षमता है। एक अच्छी पौधा फसल से ही एक अच्छी पेड़ी की फसल प्राप्त हो सकती है, अतः पौधा फसल को पोषक तत्वों और सिंचाई के इष्टतम स्तरों पर उगाकर उपयुक्त समय व आयु पर काटना चाहिए। सारे खेत को एक सप्ताह के भीतर ही काट लेना चाहिए, ताकि स्टबलों से फुटाव एक जैसा हो और पेड़ी की फसल की वृद्धि भी एक समान हो। पौधा फसल की कटाई जितना संभव हो सके जमीन के स्तर के पास से ही की जानी चाहिए। खेत से प्राप्त हुई पुरानी पत्तियों का प्रयोग मल्च के रूप में किया जाना चाहिए। पुरानी पत्तियों को खांचों में फैलाकर मुद्रांकन या किसी और विधि से दबाएं। इस पर स्टबल शेविंग और मेड़े तोड़ने के दौरान निकली मिट्टी को फैला दें। सूक्ष्म जीव कल्चर को 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पत्तियों पर डालकर सिंचाई कर दें। इन पत्तियों से की गई मल्चिंग से मृदा की कार्बनिक सामग्री का स्तर, मृदा के भौतिक हालात और पोषक तत्वों का स्तर भी बेहतर हो जाते हैं तथा इससे पेड़ी की उत्पादकता बेहतर हो जाती है। स्टबल शेविंग एक अनिवार्य कार्य विधि है, जिसे गन्ना फसल कटाई के बाद किया जाता है और एक तेज धार वाली कुदाल से सफाई की जाती है। स्टबल शेविंग से भूमि के नीचे उपस्थित स्वस्थ कलिकाओं से फुटाव होता है और इससे एक अच्छी फसल की शुरुआत होती है, जिसका जड़ तंत्र भी बेहतर होता है। मृदा संगनन पेड़ी की फसल की निम्न वृद्धि का एक मुख्य कारण है। गन्ने की फसल की लंबी अवधि के कारण मृदा संगनन हो जाता है, जो मृदा के अंदर वायु और नमी के संचार को प्रभावित करता है। इन हालातों में मेढ़ों का तोड़ना एक आवश्यक कार्यवाही है। इस कार्यवाही में मेढ़ों को दोनों तरफ से कुदाल या हल की मदद से तोड़ा या काटा जाता है। इससे नई जड़ों का विकास तेजी से होता है, जिससे नई फसल की तीव्र वृद्धि होती है।